हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इन टुडेज वीडियो होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ केमिकल एक्सफोलिएशन के बारे में। बेसिकली दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट, दिस इज पिलग्रिम्स पीलिंग सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड, दिस वीडियो इज नॉट अ ब्रांड वीडियो यू गाइज। कुछ महीने पहले, आई थिंक 3 months बैक, मैंने इस प्रोडक्ट के लिए एक शॉर्ट अपलोड किया था अपने चैनल पे, जिसपे कि बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी। मैंने टेक्स्ट के फॉर्म में उस वीडियो में इसकी USP, कैसे इसके बेनिफिट्स हैं, कैसे इसको यूज़ करना है, सब कुछ लिखा था। फिर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे कि कौन से स्किन टाइप इसे यूज़ कर सकते हैं या ये कैसे वर्क करता है, इसके बाद हमें क्या अप्लाई करने चाहिए क्या नहीं। तो देन आई डिसाइडेड कि मुझे इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी एंड आपकी क्वेरीज सॉल्व करना मेरी ड्यूटी है। That's why I'm doing this video, you guys, कि आपकी सारी जितने भी मिथ है केमिकल पीलिंग को लेके या जितनी भी आपको क्वेरीज है इस प्रोडक्ट को लेके, वो सारी आज मैं इस वीडियो में आपकी दूर करने वाली हूँ और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो अगर आप जानना चाहते हो कि केमिकल एक्सफोलिएशन कैसे वर्क करता है हमारी स्किन पे या ये प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है हमारी स्किन पे, तो कीप ऑन वॉचिंग, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब। एंड अगर इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन है, तो फील फ्री टू आस्क इन दी कॉमेंट सेक्शन, मैं सारे ही कॉमेंट्स की रिप्लाई करती हूँ। सो इसी के साथ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, लेट्स गो। प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं केमिकल एक्सफोलिएशन के बारे में कि क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं इसके। तो अगर आप अपनी स्किन को केमिकली एक्सफोलिएट करते हो तो वो आपके आउटर मोस्ट लेयर पे काम करता है, तो जितनी भी डेड स्किन है उसको रिमूव करने में ये काम करता है। और जैसे ही डेड स्किन रिमूव होती है तो आपकी स्किन का टेक्स्चर जो है वो और भी बेटर हो जाता है। सो दिस प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट दैट। तो दिस इज पिलग्रिम्स पीलिंग सॉल्यूशन। पिलग्रिम इज अ इंडियन ब्रांड, लेकिन इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सीक्रेट है जीजू आइसलैंड के, जो कि कोरिया में है। दिस इज देयर 25% AHA विच इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एंड 2% BHA बीटा हाइड्रोक्सी एसिड लाइक साइलिसिलिक एसिड, एंड 5% PHA पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड पीलिंग सॉल्यूशन। दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री एंड फॉर ऑल स्किन टाइप, इट्स रिटन ओवर हेयर। सो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे उस शॉर्ट के नीचे कि सेंसिटिव स्किन वाले से यूज़ कर सकते हैं या नहीं, या ऑयली स्किन वाले से यूज़ कर सकते हैं या नहीं। सो ऑल स्किन टाइप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड जस्ट अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्नेज हैं या बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन है, तो मैं पर्सनली आपको मना करूँगी कि आप इसे यूज़ ना करें तो बेहतर होगा। एंड लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग फर्स्ट। तो इट कम्स इन अ पिलग्रिम्स बेसिक पैकेजिंग लाइक कार्डबोर्ड पैकेजिंग, ब्लू एंड ब्लैक इसका थीम है। यहाँ पे ऐसा जो पिलग्रिम का लोगो है वो बना हुआ, सारे इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो काफ़ी बेसिक सी पिलग्रिम की पैकेजिंग है। लेट्स सी हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। दिस इज 30 ml वेरियंट एंड इट रिटेल्स फॉर 545 rupees, लेकिन सेल्स पे अमेजोन पे आपको थोड़े कम में मिल जाएगा। एंड दैट्स हाउ द प्रोडक्ट कम्स लाइक। दिस इज फ्रॉस्टेड बॉटल एंड ये ब्राउन कलर की बॉटल है, एंड इसमें ऐसे कम्स विद दिस नॉर्मल सीरम टाइप पैकेजिंग एंड दिस इज द प्रोडक्ट। ये ऐसे पिंक कलर का प्रोडक्ट है, लाइक दिस इज द कलर ऑफ द प्रोडक्ट। इसकी कंसिस्टेंसी लाइक थोड़ी सी स्टिकी टाइप की है, जैसे कि पीलिंग सॉल्यूशन की होनी चाहिए। लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी आपके फेस पे फील नहीं कराएगा आपको। ओके, लेट्स सी द इंग्रेडिएंट फर्स्ट। इट हैज़ ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एलोवेरा जेल एंड हाइलोनिक एसिड। हाइलोनिक एसिड एंड एलोवेरा जेल आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड आपकी स्किन के टेक्स्चर को इम्प्रूव करता है। सैलिसिलिक एसिड आपके स्किन के एक्सेस ऑयल को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द पैकेजिंग, द प्रोडक्ट, द इंग्रेडिएंट। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू अप्लाई। आपका फेस एकदम ड्राई, एकदम क्लीन होना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट वाटर भी आपके फेस पे नहीं होना चाहिए। काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने फेस को ड्राई कर लो, देन इसकी एक अच्छी सी लेयर आपके पूरे फेस पे अप्लाई करो। थोड़ी सी टिंगलिंग आपको फील होगी एंड वो नॉर्मल है, लेकिन पैच टेस्ट एडवाइज्ड है। अगर आपको किसी चीज़ से रिएक्शन होता है या आपने इससे पहले कभी केमिकल पीलिंग नहीं किया या फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप पैच टेस्ट ले लो। एंड अगर आपने पहले किया हुआ है देन आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपको इसको एटलीस्ट 10 minutes छोड़ना है, 10 minutes से ज़्यादा इसको नहीं रखना है। अगर आपको बर्निंग सेंसेशन होता है तो थोड़ा बहुत इट्स नॉर्मल, लेकिन अगर ज़्यादा होता है तो तुरंत ही आप जाके वॉश कर लो तो बेटर रहेगा। सो आपको 10 minutes के लिए इसको रखना है अपने फेस पे, एंड देन आपको इसको हल्का सा वॉर्म वाटर या आपको इसको कॉटन से अच्छी तरीके से रिमूव कर लेना है वॉर्म वाटर में डिप करके, एंड देन आपको पैट करके अपने फेस को ड्राई करना है। इसके बाद
जो जाएगा हाउ टू यूज में, कि आपको इसके बाद जस्ट एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है. अब वो कोई भी मॉइस्चराइजर हो सकता है. काफी सारे क्वेश्चंस थे कि इसको यूज करने के बाद कोई सीरम्स अप्लाई करने पड़ते हैं या कंटिन्यूस सीरम अप्लाई करना ही है या कौन इसी का मॉइस्चराइजर यूज करना है. ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के. सो गाइज, आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो इसको अप्लाई करने के बाद में. आपको जरूरी नहीं है कि आप इसी के ब्रांड का मॉइस्चराइजर यूज करो या आपको कुछ भी आगे फॉलो करने की जरूरत नहीं है. जस्ट दिस इज अ फेस मास्क की तरह आप इसको यूज कर रहे हो और इसके बाद आपको जस्ट एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, दैट्स इट. आई सजेस्ट आप इसको दोनों टाइम यूज कर सकते हो, मॉर्निंग में भी एंड इवनिंग में भी, बट आई सजेस्ट कि आप इसको इवनिंग में यूज करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सुबह आपको अपनी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अच्छे से आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप नाइट में यूज करते हो तो इसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आपको जस्ट एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है एंड यू आर गुड टू गो. मैंने इसे लास्ट 3 मंथ्स में 3 से 4 बार यूज किया है. मुझे इसके रिजल्ट सेटिस्फाइड लगे एंड इट सेज कि आपको वीक में सिर्फ एक ही बार इसे यूज करना है, ओवर यूज ना करें इसको. एंड अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में. तो क्वेश्चंस थे कि किस एज के लोग इसे यूज कर सकते हैं. तो आई सजेस्ट कि 18 के बाद आप केमिकल पीलिंग ट्राई करो तो बेटर है, या अपनी टीन एज के बाद ट्राई करो, क्योंकि टीन एज में काफी ज्यादा स्किन रिएक्टिव होती है, काफी ज्यादा एक्ने की प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा. क्वेश्चन था कि नेक की डार्कनेस को ये कट करेगा या डार्क स्पॉट्स पे ये वर्क करेगा. सो नो गाइस, दिस इज नॉट फॉर डार्कनेस और हाईली पिगमेंटेड एरियाज और पिगमेंटेशन लाइक जो आपके एक्नेस आपको छोड़ के जाते हैं. दिस इज फॉर व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स एंड जो टाइनी बम्प्स हो जाते हैं ना हमारे फोरहेड पे स्पेशली, उस पर ये काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है. सो अभी लास्ट 1 वीक में मेरी स्किन काफी ज्यादा रिएक्टिव हो रही थी, लाइक मैंने कुछ भी नया अप्लाई नहीं किया था, बट फिर भी यहाँ बहुत टाइनी बम्स हो रहे थे एंड तभी मैंने इसको यूज किया एंड काफी अच्छे तरीके से यूज पे वर्क करता है गाइज. अगर आपको अपने पिगमेंटेड एरियाज पे वर्क करना है, लाइक एक्ने मार्क्स पे वर्क करना है जो कि काफी टाइम तक नहीं जाते हैं, तो आई सजेस्ट कि आप नाइसिनामाइड अपने स्किन केयर में ऐड करो. वो काफी अच्छी तरीके से हाईली पिगमेंटेड एरियाज पे वर्क करता है. बट दिस इज जस्ट अ फेस मास्क और अ पीलिंग सॉल्यूशन. ये सिर्फ आपकी डेड स्किन पे वर्क करेगा, आपकी स्किन के टेक्सचर पे वर्क करेगा, व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स पे वर्क करेगा. बाकी जितने भी आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके लिए आप अदर सीरम्स ट्राई करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा. तो आई थिंक मैंने सारे ही क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर कर दिए हैं. अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन बचा है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं सारे ही कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ. बट आई होप मैंने सब कुछ कवर किया है इसमें एंड दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन. मार्केट में काफ़ी सारे पीलिंग सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, मिनिमलिस्टिक, ऑर्डिनरी, आई थिंक सब में ही पीलिंग सॉल्यूशन अवेलेबल है. आप किसी भी ब्रांड का ट्राई कर सकते हो. मैंने इसे ट्राई किया हुआ है, दैट्स व्हाई मैं इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ. बट आप अगर कोई भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो. दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन बाय द वे. एंड इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड गिव इट अ बिग फैट थम्स अप. सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो. कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखें, अपने आसपास का ध्यान रखें, खुश रहें. आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस. यू ही आते रहा करो, प्यार देते रहा करो, अच्छा लगता है. ओके, बाय.